नमस्कार, जी हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूं आकाश सिंह। दरअसल T20 विश्व कप के बाद अब IPL की चर्चा ने जोर पकड़ ली है। IPL की सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने मंगलवार को दिग्गज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो के साथ अपना 11 साल से चला आ रहा संबंध समाप्त कर दिया है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग की मिनी नीलामी से पहले स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन को भी रिलीज कर दिया है। कोच्ची में 23 दिसंबर को होने वाली मिनी नीलामी से पहले खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करने का आखिरी दिन मंगलवार को था। दिन की शुरुआत मुंबई इंडियंस के वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर किरण पोलार्ड के IPL से संन्यास की घोषणा के साथ हुई। 5 बार की चैंपियन मुंबई ने उन्हें अब अपना बल्लेबाज कोच नियुक्त किया है। इसके अलावा पंजाब किंग्स ने अपने पिछले सत्र के कप्तान मयंक अग्रवाल को और सनराइजर्स ने वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन को रिलीज कर दिया है। मुंबई इंडियंस ने पोलार्ड सहित कुल 13 खिलाड़ियों को रिलीज किया और चेन्नई ने ब्रावो के अलावा इंग्लैंड के डेथ ओवरों के विशेषज्ञ क्रिस जॉर्डन को भी टीम में नहीं रखा है, जो कि हैरान करने वाला फैसला है क्योंकि जॉर्डन ने T20 विश्व कप में शानदार गेंदबाजी की थी। चेन्नई सुपर किंग्स के CEO काशी विश्वनाथन ने कहा कि जहां तक खिलाड़ियों को बनाए रखने और उन्हें बाहर करने का सवाल है, तो यह एक कड़ा फैसला था क्योंकि चेन्नई अपने खिलाड़ियों के प्रति काफ़ी लगाव रखता है और उन्होंने भी फ्रेंचाइजी के लिए योगदान दिया है। हालांकि खिलाड़ियों को रिलीज करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल फैसला था। काशी ने इसके साथ ही कहा कि जहां तक कप्तानी का सवाल है, तो उनके करिश्माई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ही टीम की अगुवाई करते नजर आएंगे। इस बीच दिल्ली कैपिटल्स ने 4 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, जिसमें भारत के मनदीप सिंह, KS भरत, अश्विनी हेब्बार और न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सिफर्ट शामिल हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को कोलकाता नाइट राइडर्स को दिया और उससे ऑलराउंडर अमन खान को वापस ले लिया है। पहले IPL के विजेता राजस्थान रॉयल्स ने भी 4 भारतीयों सहित कुल 9 खिलाड़ियों को रिलीज किया है। इससे उसके पास 13.2 करोड़ रुपए की राशि बच गई है। जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया गया उनमें जेम्स निसम, नाथल कुल्टन नाइल और राशि बैन डे डूसन शामिल हैं और नीलामी के लिए सबसे ज़्यादा 42.25 करोड़ रुपए सनराइजर्स हैदराबाद के पास होंगे, जबकि पंजाब और लखनऊ सुपर जायंट के पास 32 करोड़ और 23 करोड़ रुपए बचे होंगे। इस बार टीमों को नीलामी में अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए खर्च करने का भी मौका मिलेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे किसी और किस्से के साथ, सुनाएंगे कोई और दास्तां। तब तक देखते रहिए जी हिंदुस्तान डिजिटल।